नमस्कार, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube चैनल दी ऑफ बीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आपको एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी की कहानी सुनाएंगे जो पेड़ के नीचे से शुरू हुई और आज 1,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। 1,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं, 1,200 से ज़्यादा देश भर में इनके पार्टनर्स हैं, 29 देशों में इस कंपनी का कारोबार फैला हुआ है और सबसे बड़ी बात 10 लाख बिजनेस आज देश के इस सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं। मैं युवाओं से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा इस डॉक्यूमेंट्री को अवश्य देखें और प्रेरणा लें कैसे एक छोटे से स्टार्टअप से एक बड़ी जाइंट बिजनेस कंपनी खड़ी की जा सकती है। अकाउंटिंग एंड बिलिंग सेक्टर में आज रिटेलर्स की देश भर में पहली पसंद बन चुकी अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी मार्ग ERP के सफर की शुरुआत 30 वर्ष पहले 1992 में हुई थी। फार्मा सेक्टर में नंबर 1 होने का खिताब जीत चुकी मार्ग ERP आज देश के 50% से ज्यादा केमिस्ट की पहली पसंद है। केवल केमिस्ट ही नहीं, ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल सेक्टर की भी पहली पसंद है मार्ग ERP। आज मार्ग ERP का नेटवर्क पूरे देश में है, जिसे मार्ग के CMD ठाकुर अनूप सिंह गर्व से बताते हैं। आज हम पूरे देश के हर कोने में हैं। लद्दाख की आखिरी दुकान पे मार्ग, जैसलमेर की आखिरी दुकान पे मार्ग, इम्फाल की आखिरी दुकान पे मार्ग और कन्याकुमारी की आखिरी दुकान पे मार्ग, इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? लेकिन एक समय था जब कंपनी का ऑफिस एक पेड़ के नीचे हुआ करता था। ये बात है 1998 की, जब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के 3 जुनूनी युवाओं ठाकुर अनूप सिंह, महेंद्र सिंह प्रजापति और सुधीर सिंह ने मिलकर विधिवत रूप से कंपनी को शुरू किया। इन तीनों युवाओं के पास कुल मिलाकर जो रुपए जेब में थे उनसे इन्होंने मोबाइल खरीद लिए। लेकिन मोबाइल खरीदने के कारण ये लोग ऑफिस के लिए जो जगह पसंद थी, धन के अभाव में वो जगह किराए पर नहीं ले सके। लेकिन ये बाधा इन्हें रोक ना सकी, बल्कि इसने इनके इरादों को और मजबूत कर दिया। जो जगह ऑफिस के लिए चुनी गई थी, ठीक उसी के सामने पेड़ के नीचे इन्होंने अपना ऑफिस खोल लिया और काम शुरू कर दिया। 6 महीने कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम कर इन्होंने वही पसंदीदा जगह ऑफिस के लिए किराए पर ली। मार्ग कंपनी सफलता के मार्ग पर तेजी से बढ़ रही थी। देखिए, हमारी सबसे बढ़िया चीज क्या थी कि 92 में जब हमने काम शुरू किया तो हमने क्या किया कि बिजनेस को समझने की कोशिश करी। तो हमने क्या किया, इन्वेंटरी के साथ में बेहतर अकाउंटिंग दी। अगर आप उस समय के किसी भी सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो उस समय टैली 4.5 चला करता था अकाउंटिंग के लिए, लेकिन बिल बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, इन्वेंटरी के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं था और उसका स्टॉक मैनेजमेंट, उसकी आउटस्टैंडिंग, उसके लेजर बैलेंसेस, ये सारी चीज़ें मतलब एक बड़ी चीज़ होती थी, तो लोग मैनुअल किया करते थे। जब हमने कंप्यूटर लगा दिया और उसके सॉफ्टवेयर बना दिया तो उससे क्या इन्वेंटरी के साथ में अकाउंटिंग मैनेज होने लगी, या ऐसे कह सकते हैं कि अकाउंटिंग के साथ साथ इन्वेंटरी भी, स्टॉक भी मैनेज होने लगा। किससे कितना लिया, किसको कितना दिया, कितना प्रोडक्शन करना है, किस कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना हमारे पास टेस्टिंग के लिए पड़ा हुआ है, एवरीथिंग वाज कंप्यूटराइज्ड। आप सोचिए कि हम लोगों ने उस टाइम पार्टी को कंप्यूटराइज कराया है कि जहाँ पे पार्टीज को ये नहीं पता होता था कि कीबोर्ड कैसे चलाना है, फ्लॉपी क्या चीज़ होती है, तो उस टाइम हम लोगों ने पार्टीज को कंप्यूटराइज कराया था। आज कंप्यूटर का सबको ज्ञान है, पहले कंप्यूटर का ज्ञान किसी को नहीं होता था। कंपनी का पहला चैनल पार्टनर बिहार में बना। मैं जब मार्केट में मूव करता था उस समय वो दौर था जब लोग कंप्यूटर हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की ओर देख रहे थे, बढ़ रहे थे, कंप्यूटराइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और मैं अक्सर बैठ के सोचा करता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हार्डवेयर का मार्केट इतना डाउन चला जाएगा कि सेल तो होगी लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं होगी। उसके बाद मुझे समझ में आया कि जब मार्केट मूव कर रहा है तो मुझे सॉफ्टवेयर की तरफ जाना चाहिए और मैं इन्वेंटरी अकाउंटिंग के सेक्टर में काम कर रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, एक बढ़िया इन्वेंटरी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर अपने साथ होना चाहिए। उसी दौरान मैं जब एक कंप्यूटर पे प्रॉब्लम सॉल्व करने गया तो वहाँ पे मैंने देखा एक बिल रखा हुआ था, इनवाइस फॉर्मेट रखा हुआ था, उसके नीचे मार्ग का एड लिखा हुआ था। फिर मैंने मार्ग में फ़ोन किया, अनूप सर से बात हुई, उन्होंने दिल्ली बुला लिया। उसके बाद तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और धीरे धीरे पूरे देश में कंपनी का नेटवर्क फैलता चला गया। 2004 में मैं कंपनी का पार्टनर बना। कंपनी के पार्टनर बनने के बाद यह वो समय था जहां पे लोग बहुत ही कम कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर काम में लेते थे क्योंकि सारा ही काम टैक्स पेड पर हुआ करता था, टैक्सेबल बिलिंग बहुत कम लोग करते थे, जो CNF या स्टॉकिस्ट टाइप के लोग करते थे। उस समय वहाँ पर हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज था
जो फार्मा मार्केट के लिए, इसके लिए हमारा सॉफ्टवेयर उसमें बहुत प्रसिद्ध था, पर वहाँ फार्मा मार्केट में एक लोकल सॉफ्टवेयर चल रहा था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था और उस मार्केट में मेरे को जल्दी से एंट्री नहीं मिली। तो मैंने अपने रास्ते को अलग से बनाया, मैंने वहाँ पर देखा कि फार्मा के अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो इस पर काम करना चाहते हैं, जो दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं वो केवल और केवल बिलिंग कर रहे हैं और अकाउंटिंग के लिए दूसरा काम में ले रहे हैं। आज देश के 10 लाख से ज्यादा छोटे बड़े बिजनेस मार्ग सॉफ्टवेयर पर चल रहे हैं। आधे से ज्यादा फार्मा सेक्टर मार्ग सॉफ्टवेयर यूज करता है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ अकाउंट्स एंड मोर ओवर वी हैव टू सी अवर एक्सपायरी, मूवमेंट ऑफ अवर स्टॉक, पेमेंट्स, देयर आर सो मेनी मल्टीपल, दिस इज मल्टीपल टास्किंग एंड विदाउट सॉफ्टवेयर इट वॉज रियली वेरी हार्ड फॉर मी बिसाइड्स गिविंग 12 आवर्स ऑफ माई स्टैंडिंग इन द फार्मेसी। Without software, I was not able to do handle all those things. आज पूरे देश में, देश के हर राज्य में मार्ग का नेटवर्क है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के 29 देशों में भी मार्ग सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। कंपनी के 850 से ज्यादा सेल्स एंड सपोर्ट सेंटर हैं, 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। हर साल मार्ग सॉफ्टवेयर के द्वारा 2000 करोड़ से ज्यादा के बिल प्रोसेस्ड होते हैं, 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड होते हैं। वर्तमान में मार्ग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार दे रही है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही ऑफ बीट डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल द ऑफ बीट को बेल नोटिफिकेशन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए।